दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 1956 से लेकर 2023 तक होने वाले तमाम टेस्ट मैचेस के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में और साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टोटल कितने मैचेस खेले गए हैं और कौन सी टीम ने कितनी फतुहात हासिल की है। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबेन तीन टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से खेला जाएगा। कौमी टीम 6 दिसंबर से 4 रोजा टूर मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मध्य मुकाबला आएगी। दोस्तों दोनों टीमों के दरमियान मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने साल 1956-57 में पहला टेस्ट मैच खेला था और यह सीरीज पाकिस्तान के नाम रही थी। साल 2021-22 में कैंगरूज ने पाकिस्तान का दौरा किया था और होम ग्राउंड पर शाहीनों को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से शिकस्त दे दी थी। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 69 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं जिसमें 34 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने जबकि पाकिस्तान ने महज 5 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। शाहीनों और कैंगरूज के दरमियान 20 टेस्ट मैचेस ड्रा हुए जबकि होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया ने 26 और पाकिस्तान ने 7 फतुहात समेटी हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज पाकिस्तान की टीम जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया के नाम ये सीरीज रहेगी, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें और साथ ही क्रिकेट से रिलेटेड इसी तरह की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले जानने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें।